रणबीर आलिया और अयान से खास बातचीत, 3 साल में पार्ट 2 लाने की है तैयारी। बाहुबली की तरह सस्पेंस से भरा होगा ब्रह्मास्त्र का अगला पार्ट। पिछले हफ्ते रिलीज हुई ब्रह्मास्त्र ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कलेक्शन कर लिया है। फिल्म के सक्सेस पर फिल्म के 3 अस्त्र रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और अयान मुखर्जी बेहद उत्साहित हैं। अपनी खुशी और जज्बात उन्होंने दैनिक भास्कर से शेयर किए हैं। अयान मुखर्जी ने कहा कि जो हमें सामूहिक सराहना मिली वो बताना चाहूंगा, इसे लोग इंजॉय कर रहे हैं। ये फिल्म बच्चों को भी पसंद आ रही है, कुछ लोगों को बेशक कुछ चीजें पसंद नहीं आई हैं। इसके विजुअल इतने चैलेंजिंग थे जो कई बार लगता था कि फिल्म बन पाएगी कि नहीं, पर हम उस रिपोर्ट कार्ड में पास हो गए हैं। तो वही रणबीर कपूर ने कहा कि इससे पहले जो ज्यादातर फिल्में आती रही हैं उनमें हमारे परफॉर्मेंस की बातें होती थी, फिर फिल्म की बातें होती थी। यहाँ बात हो रही है कि ऐसी स्पेक्टेकुलर फिल्म इंडिया से डिलीवर हुई है। वही आलिया भट्ट का कहना है कि जब मैंने अपने करियर की शुरुआत की थी तो उस वक्त मैं भी बच्ची थी, उस वक्त भी जो मेरे ज्यादातर फैंस थे वो बच्चे ही मेरे पास आते थे। किसी ने कहा था कि अगर बच्चे आपकी फिल्में पसंद करते हैं तो उससे बेटर कोई बात नहीं, वो बड़े वफादार रहते हैं और सच्चे भी, तभी मैं उनको फैंस नहीं बल्कि फैमिली पुकारती हूँ। राइटर सुमुखी सुरेश ने मुझे अपनी मैच 6 साल की नीस का एक निबंध भेजा था। उस बच्ची ने लिखा था कि फिल्म कभी कभार ड्रामनी थी पर प्यारी रही। पार्ट 2 की कहानी लिखने पर अयान मुखर्जी ने कहा कि एक बुनियादी कहानी तो शुरू से इन प्लेस थी, एक बुनियादी कड़ी तो पार्ट 3 तक जाएगी। मैं अमृता और देव के बारे में तो कम कहूंगा, पर आज की तारीख में ब्रह्मास्त्र जो शिवा के हाथों में जुड़ा है उसमें पावर अपने चरम पर पहुंच गया है, वे भीतर से आग पैदा कर सकता है। ये कहानी तो आगे तक जाएगी ही, देव की कहानी तो रहेगी। हमें जो फीडबैक मिलते हैं उन्हें ध्यान में रखते हुए उन चीज़ों को भी हम अगले पार्ट में ऐड करेंगे। मेरा टारगेट है कि 3 सालों में पार्ट 2 लेकर आए। रणबीर कपूर ने कहा, मेरे ख्याल में अगर थ्योरीज आ रही हैं तो ये अच्छी चीज़ है, जाहिर है कि ऑडियंस भी आपके साथ साथ कल्पनाएं कर रही है। बतौर मेकर और एक्टर बड़ी खुशी मिलती है कि इस तरह का बज बहुत कम फिल्मों को मिलता है। वहीं पार्ट 2 और 3 में शाहरुख खान और नागार्जुन के रोल को लेकर रणबीर कपूर का कहना है कि बहुत सीक्रेट रहने वाला है। अयान ने तो हम लोगों को भी नहीं बताया है, मगर हमने भी नहीं देखा कि उनका किरदार मरा है कि नहीं। आलिया ने कहा कि मेरा भी मानना है कि साइंटिस्ट का किरदार शायद नहीं मरा है। तो वह अयान ने कहा कि सेम चीज नागार्जुन सर के साथ भी हुई है, पर हम कुछ कमेंट नहीं कर सकते। रणबीर कपूर का कहना है कि हम तीनों शाहरुख खान सर के आभारी रहेंगे। हम उनके घर गए थे, उनसे कहा था कि हम ये फिल्म बना रहे हैं, उन्होंने 2 मिनट में हामी भर दी, कहा जो करवाना है कहो। अयान ने कहा कि हमें उनके बहुत शुक्रगुजार हैं, हम उनकी आंखों में देख नहीं सकते जो एहसान उन्होंने हम पर किया, और शायद वो भी ऐसी VFX वाली फिल्म को बनाने के दर्द और संघर्ष से वाकिफ थे, तभी उन्होंने हमारी हेल्प की। आलिया का कहना है कि हमने एक प्लान बनाया है पर अभी हम रिवील नहीं कर सकते, मैंने अयान से डिस्कस जरूर किया है कि कब नामों पर से पर्दा हटाना है। वही ब्रह्मास्त्र के पार्ट 2 को लेकर अब फैंस में भी काफी जोश नजर आ रहा है। इस पर एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, पार्ट 2 बवाल होने वाला है, आलिया भट्ट पक्का नेगेटिव साइड होगी, देव ने मेनली आलिया को ही भेजा होगा ब्रह्मास्त्र को समन करने के लिए। तो मयंक लहरे नाम के एक यूजर ने लिखा, SRK नागार्जुन होंगे पार्ट 2 में। तो एक यूजर पूछते हैं, ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 कब आएगा। मैं शशि श्रीवास्तव नाम के एक यूजर ने लिखा, शायद SRK मरा ही ना हो क्योंकि उन्होंने बिल्डिंग से गिरते हुए कहा था कि मैं कभी हारता नहीं और वो ब्रह्मास्त्र 2 में प्रेजेंट टाइमलाइन में ही दिख जाएंगे। ऐसे कितनी सोशल मीडिया यूजर हैं जो आप इस पर अपने अपने रिएक्शंस देते दिखाई दे रहे हैं। आपकी क्या राय है इस खबर के बारे में, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर खबर आप तक जल्द से जल्द पहुंचे।